नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सरकारी स्कूल में ग्रुप सी और डी के 2300 पदों पर होगी बहाली। जल्द ही बिहार के हाई स्कूल, प्लस टू स्कूल, कन्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में 2300 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर सभी जिलों की रिक्तियों का विवरण भी साझा कर दिया है। इसके तहत विभिन्न जिलों के सरकारी विद्यालयों में क्लर्क के 1172 और आदेशपाल के 1129 खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों के लिए एक निश्चित वेतनमान की भी जानकारी साझा की गई है। इसके अनुसार लिपिक के लिए 16,500 रुपए और आदेशपाल के लिए 15,220 रुपए प्रतिमाह वेतन निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि कुल पदों का 15% प्रोन्नति के आधार पर भरा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इन नियुक्तियों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार रिक्त पदों को विद्यालयवार चिन्हित करते हुए पद सृजन की सूचना संबंधित नियोजन इकाई को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद नियोजन इकाई खाली पदों पर बहाली लेगी। बीएमपी कमांडेंट दिलाएंगे देशी विदेशी पक्षियों का बसेरा। बिहार में हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पक्षियों का आगमन होता है। इसके लिए सरकार के साथ साथ स्थानीय लोग भी इनके संरक्षण की दिशा में काम करते रहते हैं। वहीं अब कटिहार में बीएमपी 7 के कमांडेंट इस दिशा में नए प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल कटिहार बीएमपी 7 के बड़े से तालाब में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी साइबेरियन बर्ड का बसेरा रहता है। इसके तहत कमांडेंट दिलनवाज अहमद के द्वारा बड़े तालाब को विकसित कर इस इलाके में पक्षियों के अनुकूल माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही तालाबों में मछली पालन से जुड़ी संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। वहीं इसके विस्तार के लिए कटिहार के नगर आयुक्त और उप मेयर से भी बातचीत की जा रही है। दूसरे दिन 19 जिलों में कई स्टूडेंट्स हुए निष्कासित। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। वहीं परीक्षा के दूसरे दिन भी कई छात्रों को पकड़ा गया है, जिसके तहत आंकड़ों के अनुसार दूसरे दिन लगभग 19 जिलों में कुल मिलाकर 41 छात्रों को निष्कासित किया गया है, जिसके बाद आज सामाजिक विज्ञान की परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। वहीं बीते दिन की बात करें तो मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, जो कि 2 पालियों में आयोजित करवाई गई थी। वहीं निष्कासित छात्रों के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा सारण और रोहतास जिले में निष्कासन हुआ है। सारण से 8 और रोहतास जिले में 5 विद्यार्थी निष्कासित हुए हैं। वहीं मुंगेर और सुपौल से भी कई छात्र को निष्कासित किया गया है। बिहार में शतक के पास पहुंचा पेट्रोल और डीजल का दाम। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बिहारवासियों की जेब पर भारी असर देखने को मिल रहा है। कीमतों से में राहत मिलने की उम्मीद हालांकि अभी नहीं जताई जा सकती है। फरवरी महीने की बात करें तो बीते दिन लगातार 10वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। बीते 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत में भारी इजाफा देखने को मिला है, जिसके तहत पेट्रोल के दाम में 2.21 रुपए और डीजल के दाम में 2.58 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसके कारण बिहार की जनता काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। खबरों की माने तो दो पहिया गाड़ी चलाने वाले मध्य वर्ग के लोग, व्यावसायिक गाड़ियों के संचालक और ट्रक ऑपरेटर को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बजट बिगड़ने वाला है। वर्ष 2021 अब तक 22 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। ईवीएम खरीदारी को लेकर दायर राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका को मिली मंजूरी। ईवीएम खरीदारी में हो रही देरी के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के वकील संजीव निकेश ने गुरुवार को न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे की एकल पीठ से मामले पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब जाकर उनके अनुरोध को मंजूर कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में आगामी पंचायत चुनाव में ईवीएम खरीदारी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दायर याचिका पर जल्दी सुनवाई की गुहार पटना हाईकोर्ट से लगाई गई थी। याचिका में भारत के निर्वाचन आयोग की तरफ से 21 जुलाई 2020 को जारी उस हिस्से को चुनौती दी गई है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीनों की आपूर्ति और डिजाइन के पहले भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य है। हालांकि ईवीएम की खरीदारी में हो रही देरी के कारण इसका सीधा प्रभाव अब पंचायत चुनाव पर पड़ने के आसार भी जताए गए हैं। गोवा यूनिवर्सिटी ने निकाली रिक्तियां। गोवा यूनिवर्सिटी ने हाल ही में मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर इंजीनियर के 62 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 12वीं और स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.unigoa.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में बजट सत्र को लेकर राज्यपाल फागू चौहान ने कही अहम बात। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। वहीं इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण से हुई है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर बिहार राज्य सरकार का संकल्प है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अभिभाषण के 7 निश्चय पार्ट 2 का भी जिक्र किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। सरकार वर्तमान समय में हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को रोजगार और महिला उत्थान के क्षेत्र में सरकार के कामकाज की भी तारीफ की है और कहा है कि बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। अब बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं करने वालों की खैर नहीं।
अब तय समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने वालों को राहत नहीं मिलने वाली है। खबरों की माने तो तय समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने वालों को और अधिक ब्याज देना पड़ सकता है। बिजली कंपनी ने इस बाबत तय समय से अधिक समय पर बिल भुगतान करने वालों से अब अधिक विलंब शुल्क अधिभार वसूलने का निर्णय लिया है। इसको लेकर कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। आयोग की मोहर लगने के बाद ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। गौर करने की बात यह है कि राज्य में लगभग 1,62,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता मौजूद है। तय समय में बिल नहीं देने वालों की संख्या अब लाखों में बताई गई है। आंकड़ों की माने तो कोरोना के माहौल में राज्य में बिजली खपत 4,000 मेगावाट से अधिक की गई थी, लेकिन बिल भुगतान में भारी अंतर देखने को मिला था, जिसके बाद ही अब ऐसे उपभोक्ताओं से ब्याज वसूलने की तैयारी की जा रही है। आज कई जिलों में हो सकती है बारिश। जहां एक तरफ अब लोगों को धीरे धीरे करके ठंड से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ठंड से कम होते प्रभाव के बीच अब बारिश का सामना बिहारवासियों को करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज बिहार के कई जिलों में बादल के आसार देखने को मिलेंगे और साथ ही कुछ जगह पर छिटपुट बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि बीते 24 घंटे की बात करें तो राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में एक दो जगह पर गरज के साथ तीव्रता वाली आंशिक बारिश देखने को मिली थी, जिसके तहत सबसे अधिक भभुआ में 7.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि इस मौसम में बरसात के कारण खेती किसानी के विशेषज्ञों की माने तो ज्यादा बारिश से गेहूं और रबी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन बारिश उतनी ज्यादा दर्ज नहीं की जा रही है कि किसानों को ज्यादा नुकसान हो। बिहार के एसपी को मिला सम्मान। हाल ही में बिहार सरकार ने किशनगंज पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष को सम्मानित किया है। खबरों की माने तो आशीष को यह सम्मान बिहार सरकार की तरफ से कोरोना के माहौल में बेहतर काम करने के लिए दिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के माहौल में लॉकडाउन के दौरान जिले में नियमों का पालन करवाने, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना जैसे महामारी के बीच जनता के जरूरतों का ध्यान रखते हुए बिहार सरकार ने बेहतर काम करने के लिए इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया है। इसके साथ ही कुमार आशीष को सम्मानित भी किया है। खबरों की माने तो कुमार आशीष को यह सम्मान बिहार सरकार के भाजपा विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दी है। पंचायत मतदाता सूची का आज होगा अंतिम प्रकाशन। बिहार में आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का आज अंतिम प्रकाशन होने वाला है। पंचायत चुनाव के लिए सभी जिलों में तैयार किए गए मतदाता सूची के प्रकाशन का काम आज कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब 24 फरवरी तक वोटर लिस्ट की छपाई भी की जाएगी। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव संबंधित तैयारियों की गति भी अब और ज्यादा तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। खबरों की माने तो इस बार पंचायत चुनाव में 1,00,000 नए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने पर विचार हो रहा है। आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से बिहार को मिलेगी नई गति। दरभंगा एक्सप्रेसवे के भू अर्जन कार्य को तेज करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने हाल ही में उक्त आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब इस एक्सप्रेसवे को तेज गति से बनाने की पहल शुरू की जाएगी। खबरों की माने तो 189 किलोमीटर लंबी आमस कच्ची दरगाह ताजपुर दरभंगा एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड होगा। इसमें 60 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन किया जा रहा है। राज्य के 7 जिलों के लगभग 239 गांव में लगभग 1,363 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्व गांवों में से 222 ग्रामों में 3-1 का प्रकाशित किया जा चुका है। 3D प्रकाशन की कार्रवाई भी की जा रही है। 3D प्रकाशन के उपरांत भूअर्जन के समक्ष प्राधिकार के माध्यम से 3G तैयार किया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा देने गए छात्र की गई जान। इन दिनों बिहार में मैट्रिक परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, जहां आज तीसरे दिन का पेपर है। वहीं परीक्षा के दौरान ही दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के आदर्श हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा दे रहे एक छात्र की अचानक तबियत बिगड़ी, जिसके बाद इलाज के दौरान ही उसकी जान चली गई। जान गंवाने वाले छात्र एकंगड़ सराय प्रखंड के तेल्हारा थाना क्षेत्र के राडिल गांव निवासी स्वर्गीय बढ़न सिंह का 16 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार था। वो बिहार शरीफ के खंदकपर मोहल्ला में साथियों के साथ रहकर आदर्श उच्च विद्यालय में मैट्रिक का परीक्षा दे रहा था। गुरुवार से ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वहीं आज जब वो परीक्षा देने जा रहा था, उस वक्त भी वो रास्ते में बेहोश हो गया था, तो उसके साथ जा रहे दोस्तों ने उसे इलाज करने को कहा, मगर उसने मना कर दिया और परीक्षा देने चला गया, जिसके बाद ये हादसा हो गया। कगिसो रबाडा के आईपीएल में खेलने पर संशय की स्थिति। आईपीएल का 14वां सीजन अप्रैल में शुरू होने की संभावना जताई गई है। आईपीएल का शेड्यूल अभी तक फिलहाल जारी नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों की माने तो आईपीएल का आयोजन अप्रैल मई के आसपास होने की संभावना जताई गई है। इस बीच दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने अपनी उपलब्धता को लेकर बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की मेजबानी करने के सवाल पर कहा है कि मैं आईपीएल का पहला सप्ताह छोड़ सकता हूं। आईपीएल का शेड्यूल पाकिस्तान दौरे के साथ क्लैश करता है, देश सबसे पहले आता है। मुझे अभी भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलना पसंद है और भारत में यह मेरा पहला घर है। आपको बता दें कि इस साल आयोजित होने वाले आईपीएल को लेकर बीते दिन ही ऑक्शन करवाया गया था, जिसमें सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस विके। रोहित शेट्टी पहुंचे पुलिस स्टेशन। फिल्म निदेशक रोहित शेट्टी को हाल ही में मुंबई पुलिस के साथ देखा गया है। खबरों की माने तो रोहित शेट्टी कुछ खास काम के लिए पुलिस चौकी पहुंचे थे, जहां उनकी कई सारी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रही है। मुंबई पुलिस के साथ रोहित शेट्टी की सामने आई फोटोज को देखने के बाद सोशल मीडिया फैंस हैरानी जताते हुए उन्हें सीआईडी और अंडरवर्ल्ड कॉप कहकर कॉमेंट कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, इसको लेकर रोहित ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर को शेयर किया है। रोहित शेट्टी ने अपने पोस्ट के कैप्शन में मुंबई पुलिस को असली सुपर हीरो बताया है। इस कैप्शन को पढ़कर सोशल मीडिया पर फैंस रोहित की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही एक ओर जहां फैंस पुलिस को सलाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोविड में उनके द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों की भी सराहना कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं करने वालों से ज्यादा ब्याज लेने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।